हेलो टू एवरी वन आई वेलकम यू ऑल ऑन अभी पीडिया डिफेंस यूट्यूब चैनल आज मैं बात करूंगा बेस्ट अप्रोच फॉर सॉल्विंग योर सी ए पे फेसिंग पेपर टू राइट सो हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं पेपर टू के लिए तो उन्होंने टेस्ट दिए बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिए उन बच्चों में मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स और वो प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे होंगे इसीलिए राधा दें टेलिंग देम इंडिविजुअली मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं ताकि आप लोग जो नहीं जुड़े हैं हमारे साथ कोई बात नहीं लेकिन आपको भी अगर यही प्रॉब्लम हो रही है तो इसका सोल्यूशन मैं बता दूंगा आपको इन जनरल इसी प्लेटफॉर्म पर आप सब एक्सेस कर सकते हैं इस वीडियो को राइट right? सो so, सबसे पहली प्रॉब्लम तो क्या आ रही है सबसे पहली प्रॉब्लम यह आ रही है कि बच्चा ना डर रहा है डर रहा है कि सर साठ दिन में क्या हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं पेपर टू ये सवाल उसके दिल दिमाग में आ रहा है अच्छा सो so, पहला क्वेश्चन क्या है कैन वी प्रिपेयर तो यह तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि देखो यह क्वेश्चन जिसका सोल्यूशन जिसको पता चल गया कि यस वी कैन वी कैन प्रैक्टिकली पॉसिबल है सिर्फ इमोशनल करने के लिए पॉसिबल नहीं है यू कैन ठीक है बस इसमें थोड़ी सी एलिजिबिलिटी है क्या आप प्रिपेयर कर सकते हैं कैन यू प्रिपेयर दिस कैन यू प्रिपेयर पेपर टू ठीक है प्रिपेयर इन सिक्सटी डेज इसका आंसर है यस ठीक है अब यस किस किस बच्चों के लिए है अगर आपने पहले नहीं शुरू किया है अपना प्रिपरेशन आप अब कर सकते हैं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है बस इसमें एक एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी ये है कि आपने पेपर वन वाला कंटेंट पहले पढ़ा हो अगर आप एकदम से नए कैंडिडेट हैं और आप कहते हैं कि नहीं मेरे को पेपर टू अभी पढ़ना है और पेपर वन भी अभी पढ़ना है और पेपर देना है सात अगस्त को पॉसिबल ही नहीं है राइट right? मेराकल हो सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में देखा जाता है कि दो महीने में सी ए क्लियर हो जाए नहीं होता दो साल भी लगते हैं दो साल भी लगते हैं आठ महीने भी लगते हैं और बारह महीने भी लगते हैं डिपेंडिंग बट दो महीने बहुत मुश्किल हो जाता है राइट right? तो ये जो बच्चे हैं कि साठ दिन तक साठ दिन के के अंदर आप पेपर टू प्रिपेयर कर सकते हैं पेपर टू प्रिपेयर कर सकते हैं बट इसकी एलिजिबिलिटी ये है अगर आप सी के कैंडिडेट हैं तो आप एलिजिबल हैं क्यों क्योंकि सीडीएस का कैंडिडेट जो है उसने पेपर वन के लिए कंटेंट पढ़ा होगा हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी सब पढ़ा होगा ठीक है इसमें एफ कैट का भी बच्चा एंटर कर सकता है के बच्चे ने भी ठीक ठीक अपना जो सी होता है ना सी वाला होता है वो एफ कैट भी देता है तो हिस्ट्री जो पॉलिटी सब आपने जनरल स्टडीज पढ़ा होगा इस ये भी बच्चा एलिजिबल है इसमें सी वाला भी बच्चा एलिजिबल है सी एस सी सिविल सर्विसेज एग्जाम वाला अभी होके हटा एग्जाम आप सब फ्री हो गए हैं अब अपना नेक्स्ट टारगेट रख लो कि यार नेक्स्ट टारगेट मेरा क्या हो सकता है राइट right? तो सी वाला बच्चा भी है इसके पास कंटेंट तो बहुत सारा है लेकिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू सी ये बच्चे नहीं करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं या फिर सोचते हैं चलो हम सी एस सी की तरफ ध्यान देंगे ये वट एवर द रीजन्स आर बट दे हैव द कंटेंट बट प्रॉब्लम इज इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती अकॉर्डिंग टू सी ए पी एफ फॉर्मैट इसीलिए ये बच्चे जो होते हैं ये पेपर निकाल लेते हैं कट ऑफ के एक दो नंबर ज्यादा कर लेते हैं लेकिन मेरिट लिस्ट में बाहर हो जाते हैं ये मैंने बहुत स्टूडेंट सी एस सी बैकग्राउंड के देखे हुए हैं अंडरस्टैंड तो ये सारे बच्चे जो है दे कैन अपियर दे कैन प्रिपेयर रियली वेल फॉर योर पेपर टू फॉर सिक्स इन विद इन सिक्सटी डेज राइट चलो यू कैन प्रिपेयर ये वो भी बच्चे हैं जो हमारा पेपर टू का कोर्स खरीद चुके हैं और दे उन्होंने क्लासेस अटेंड की दे फेल्ट रियली गुड टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो एक दो दिन के अंदर थोड़ी आपको इंप्रूवमेंट दिख जाएगी इट इज़ अ इट इज अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टेकिंग प्रोसेस जिसमें आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है अब बच्चा जो बोल रहा है मुझे जो बच्चा बता रहा है मेल के थ्रू मैसेजेस के थ्रू कि सर सबसे पहला जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ एक तो कन्फ्यूजन की साठ दिन में हो जाएगा सर हो जाएगा मैंने कहा हो जाएगा ठीक है जो आपको आंसर दे दिया हो जाएगा ठीक है दूसरा प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है कि सर आ, मेरा जो है आ, बहुत ज़्यादा मतलब आई एम नॉट एबल टू कम्प्लीट माई पेपर सो नॉट एबल टू कंप्लीट पेपर नॉट एबल टू कंप्लीट पेपर इन टाइम विद इन टाइम ठीक है विद इन टाइम ठीक है पहला प्रॉब्लम यह आ रहा है दूसरा प्रॉब्लम उसको यह आ रहा है कि वो जो पेपर लिख रहा है तो उसको जो है वो एक पेज के अंदर ही तीन सौ वर्ड्स लिख रहा है तो एक्सेसिव जिसे कहते हैं ना एक्सेसिव या एक्सेसिव राइटिंग वो करने कर रहा है एक्सेसिव राइटिंग कर रहा है तीसरी प्रॉब्लम वो ये देख रहा है कि उसको 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 स्पून फीडिंग वाली जो पॉइंट है कि वो ही इज एक्सपेक्टिंग या शी इज एक्सपेक्टिंग कि हमें जो है ना कि ये टॉपिक अगर कराया जा रहा है तो सेम टू सेम ऐसा ही टॉपिक पेपर में भी पूछा जाएगा हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग आपको टॉपिक जो करा रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम टू सेम अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर भी नहीं वो टॉपिक करवा दे रहे हैं कि कॉपी कर लिया ये टॉपिक करा दिया सेम टेस्ट सीरीज में भी सेम टॉपिक लगा दिया ऐसा नहीं है और ऐसा एग्जैक्टली exactly होता भी नहीं है आप चाहे हज़ार टॉपिक कर लो लेकिन यूपीएससी में जो टॉपिक आएगा उसको आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं आर्ग्यूमेंट में क्या लिखूं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट फॉर में क्या लिखूं और ये प्रैक्टिस अगर आपने इन दिनों की होगी भी जाके वहां पर भी सोच पाओगे तो यहां पे बच्चा क्या है यहां पे बच्चा कह रहा है कि सर वो वाले टॉपिक में स्ट्रेट फॉरवर्ड वो वाला वो टॉपिक जो आपने कराया वो एग्जैक्टली exactly सेम तो आपने डाला नहीं आपने तो उसको इनडायरेक्टली डाला है तो इनडायरेक्टली डाला है जस्ट टू मेक श्योर कि यू अप्लाई योर ब्रेन यू अप्लाई योर कंटेंट कि जितना आपको कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसको अप्लाई करो टेस्ट के दौरान और ये चीज़ आप जितने भी बच्चे हैं जो आउट ऑफ हमारे कोर्स के बाहर भी हैं सेल्फ स्टडी कर रहे हो ये कोशिश करो कि कंटेंट इतना ज्यादा तगड़ा उसके ऊपर कमांड कर लो कि क्वेश्चन कैसा भी आए उस क्वेश्चन का आप क्रक्स निकाल लो उस क्वेश्चन के कीवर्ड्स को समझ लो और फिर अपना आंसर खुद स्ट्रक्चर करो आपको बना बनाया आंसर नहीं मिलेगा यूपीएससी में नहीं मिलेगा यूपीएससी में अपना ही उनका एक तरीका होता है आंसर फ्रेम करने का बट कंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है हर किसी के पास अब रिपोर्ट में एग्जैक्टली exactly रिपोर्ट जो है वो आपसे पूछी जा सकती है कि एग्जैक्ट रिपोर्ट जो है आपसे पूछी जा सकती है लेकिन इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि यार मुझसे ऐसे के भी जो टॉपिक हैं वो सेम टू सेम यहाँ पे जो कराए जा रहे हैं वैसा ही सेम टू सेम वहाँ पर भी पूछा जाए अरे ऐसा नहीं हो सकता यार वो इनडायरेक्टली पूछते हैं चीज़ों को डायरेक्टली डायरेक्टेड चीजें जो है पूछ लिया इंडो चाइना रिलेशनशिप पूछ लिया तो दे आस्क यू कि इंडो चाइना रिलेशनशिप uh, ऐसा बता दो दे वुड आस्क यू कि इंडो चाइना रिलेशनशिप एज फार एज द इकोनॉमिक एंगल इज कंसर्न तो ऐसा उनका फ्रेमवर्क रहेगा तो हमने तो आपको इंडो चाइना रिलेशनशिप पूरा पूरा ही कराया बैकग्राउंड से लेके इकोनॉमिक पॉलिटिकल मिलिट्री एंगल फिर उसके बाद जो पॉलिसी है वो सारी चीजें हमने कराई है तो वहां से सवाल जो है एक पॉइंट से सवाल पूछा जा सकता है उस पूरी कंटेंट से आपको एक पॉइंट से सवाल पूछा जा सकता है तो वो आपने दिमाग लगाना है अप्लाई करना है अपना कंटेंट कैसे प्रैक्टिस कर करके ठीक है तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ये आपके पास सामने है पेन कौन सा यूज़ करना है विच पेन यू आर गोइंग टू यूज़ पेन कौन सा सर यूज़ करें सर हम लोग क्या करते हैं हम लोग नॉर्मल uh, जो पेपर्स होते हैं जैसे ये ऑलरेडी लाइनड पेपर होते हैं ये लाइनड पेपर है इसी में लिखना शुरू एक बच्चे ने इसी ने इसी में ही लिखा लेकिन नहीं जैसा यूपीएससी का आंसर शीट होती है वैसे ही आंसर शीट में आपने लिखना है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं जो सॉल्व हम लोग करने की कोशिश करते हैं अभी कि कैसे हम लोग इस चीज़ को करेंगे देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा टाइम पे अब मैं बताता हूं कैसे कंप्लीट करोगे सीक्वेंस की बात कर रहा हूं मैं सीक्वेंस की सीक्वेंस आपने क्या करना है अगर सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस में सबसे पहले आपके पास फुल फ्लाइट जब भी पेपर मिले तो ऑल फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो पेपर टू का आपको मिलता है तो आपने क्या करना है सबसे पहले आपने करना है सबसे पहले दैट इज यस सबसे पहले आपने अटेम्प्ट करनी है ग्रामर आपने अटेम्प्ट करनी है ग्रामर ठीक है उसके बाद आपने अटेम्प्ट करना है कॉम्प्रीहेंशन ठीक है उसके बाद आपने अटेम्प्ट करना है रिपोर्ट उसके बाद आपने अटेम्प्ट करना है आर्ग्यूमेंट उसके बाद आपने अटेम्प्ट करना है एसए ठीक है एंड लास्ट में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं लास्ट में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रेसी ठीक है ये आप मान के चलो यही रूल है अगर आपने पेपर कंप्लीट करना है टाइम पे देखो ग्रामर के लिए आप मैक्सिमम दे सकते हैं दस से पंद्रह मिनट साइंटिफिकली प्रूवन है ये देखा गया है कि इससे टाइम आपका बचेगा एट द एंड ऑफ द डे जैसे फॉर एग्जाम्पल और दिमाग खुलेगा ग्रामर किया ग्रामर आती है आती है नहीं आती नहीं आती यही होता है ना येस और नो होता है ग्रामर में तो आप 10 मिनट लगा देंगे ग्रामर में 25 सवाल होंगे आपके सामने उसमें 10 मिनट आप सॉल्व करने में लगा दीजिए ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगा दीजिए कॉम्प्रीहेंशन कॉम्प्रीहशन में भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना दैट मीन्स यू हैव टू यू हैव टाइम टू ओपन अप योर माइंड या ब्रेन जिसे कहते हैं कि जैसे पेपर आया पेपर आते ही आप कोई डिफिकल्ट सवाल करना शुरू कर देंगे वो आता भी होगा तब भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि दिमाग उस टाइम पे ओपन नहीं होता दिमाग अभी अपने आप को वो कर रहा होता है कि अपने आप को उस कंडीशन में ढाल रहा होता है राइट right? तो पॉइंट इज कि सबसे पहले ग्रामर जो आती है, आती है नहीं आती नहीं आती छोड़ दीजिए फिर फिर आता है comprehension. Comprehension में भी आपने ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना आपने रीड करना है, और निकालने. करना है निकालने. कुछ नहीं जब आप हमारे साथ जुड़े हैं या अपने लेवल पे आपने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी ना ट्रस्ट में आप रिपोर्ट बहुत अच्छे से जल्दी से जल्दी कर देंगे तो रिपोर्ट में क्या है रिपोर्ट में हार्डली टेक्स 20 मिनट्स कैसे 10 मिनट एक रिपोर्ट 200 वर्ड्स लिखने हैं 200 नहीं 180 लिखो और 10 मिनट 180 दूसरी रिपोर्ट के वर्ड्स लिखने हैं तो 20 मिनट हो गए आपके पास रिपोर्ट में भी आपको कुछ आर्टिकुलेशन नहीं करनी है दिमाग में कुछ चलाना नहीं है आता है आपको ऑपरेशन गंगा के ऊपर रिपोर्ट आ गई आप कर लेंगे आपको किसके ऊपर रिपोर्ट आगे आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे रिपोर्ट आ गई आप कर लेंगे आपको रिपोर्ट आगे ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे आप कर लेंगे आपको रिपोर्ट आ गई कि पोल्यूशन गैस चेम्बर इन डेली रिपोर्ट आगे कर लेंगे स्टबल बर्निंग कर लेंगे तो ये जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स हैं जो हम लोग आपको करवा भी रहे हैं वो आप कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट नाउ आर्ग्यूमेंट मेरे हिसाब से एक ऐसा जगह है एक ऐसे ऐसा टेस्टिंग टेस्ट किया जाता है आपके दिमाग को कि आप सच में वो चीज़ें सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं आपके दिमाग में कुछ थॉट प्रोसेस है कि नहीं आर्ग्यूमेंट इज काइंड ऑफ अ दैट थिंग जहाँ पे सच में आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपना कंटेंट तो आर्ग्यूमेंट हम लोग इन तीनों चीज़ों के बाद कर रहे हैं जिस टाइम पर दिमाग आपका सबसे फास्टेस्ट स्पीड में होगा सच बता रहा हूँ सबसे फास्टेस्ट स्पीड में आप देखिए कोई भी रनर होता है चाहे उसेन बोल्ट है या कोई भी है वो स्टार्टिंग में सबसे फास्टेस्ट नहीं होता उसका एक फेज आता है जब वो सबसे तेज होता है और वो फेज बीच वाला होता है ठीक है जब वो बीच में जब सबसे फास्टेस्ट उसका वही फेज होता है जब वो बीच में आ, उसका टाइम होता है और वो एकदम मिड ऑफ द पाथ जो है वो फास्टेस्ट होता है उस टाइम पे दिस इज द मिड ऑफ द पाथ ऑफ इन सॉल्विंग द पेपर टू तो आर्ग्यूमेंट में आपने दो आर्ग्यूमेंट है आप आर्ग्यूमेंट को कर सकते हैं थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट्स के अंदर ठीक है यहां पे आपने खुद अपनी दिमाग की आर्टिकुलेशन यूज करनी है उसके बाद आपने एस एस पे चलना है एस आपके पास चार एस होंगे और आपको जो है ज्यादा से ज्यादा एट्टी मिनट्स लगाने हैं एस एस को सॉल्व करने के लिए अस्सी मिनट्स मतलब मेरे कहने का मतलब है बीस मिनट एक एसए को सॉल्व करना है ठीक है 280 सौ वर्ड्स आपने लिखने हैं ढाई से 280 लिखेंगे चल जाएगा और लास्ट में आता है आपका प्रेसे राइटिंग जितना टाइम मिलेगा वो प्रेसे राइटिंग को दीजिए प्रेसे राइटिंग ऑब्वियसली थोड़ा टिपिकल होता है लास्ट में देंगे चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो देखो यहाँ पे 10 20 30 मिनट हो गए तीस मिनट प्लस पचास मिनट हो गए पचास मिनट प्लस एक मिनट आपको देखने को मिल रहे हैं 130 130 minute, एक मिनट हो गए एक प्लस दो मिनट एक मिनट हो गए 130 प्लस आप लगा के चलिए 210 मिनट हो गए ठीक है 210 मिनट हो गए आगे, आगे आपके पास कितना है प्रेसिंग के लिए आपके पास कितना है तो यहां पे आपको तीन घंटे मिलते हैं ठीक है ओके okay, सो so यहाँ पे आपके पास जस्ट अ सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपरली किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं इसको पूरा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपके पास प्रेसी को करने के लिए आपके पास होंगे 10 से 15 मिनट है ना 10 टू 15 मिनट्स आपको करने को मिलेंगे क्योंकि देखिए 10 मिनट में आप ये कर रहे हैं आधे घंटा ये हो गया आधा घंटा 50 मिनट हो गया 50 मिनट प्लस आ, एक घंटा एक घंटा दो घंटे 10 मिनट हो गए दो घंटे 10 मिनट प्लस 40 मिनट आप लगा लीजिए इसमें लग जाते हैं 40 मिनट तो दो घंटे 50 मिनट और दो घंटे 50 मिनट और लास्ट में आपके पास 10 मिनट रहेगा तो प्रेसी को आप दे सकते हैं ठीक है विच इज़ डिसेंट टाइम ठीक है हमने ज़्यादातर इसमें ऐसे में 80 मिनट लगाए हैं आप पिचहत्तर मिनट लगा लो 60 मिनट लगा लो जितनी फास्ट कर सकते हो उतनी फास्ट आप कर सकते हो सीक्वेंसिंग आपकी यही होनी चाहिए सो दैट आपका बेनिफिट हो जाए ठीक है अब देखिए अच्छा चलिए अब आ, बात करते हैं हाँ अब बात करते हैं सीक्वेंसिंग आपको समझ आ गई कि इस सीक्वेंसिंग के दम पे आप जो है पेपर अपना टाइम पे कंप्लीट करोगे ठीक है अब दूसरी बात यह है कि बच्चा कह रहा है कि सर मैं एक पेज में तीन सौ वर्ड्स लिख रहा हूँ देखो ऐसा नहीं है कैसे आप एक पेज में उतना ही कंटेंट लिखोगे जितना रिक्वायर्ड है और उस हिसाब से आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका पेपर भी इस्तेमाल हो जाएगा ये दो पेजेस हैं है ना ये दो पेजेस हैं आपने कैसे करना है कि एक लाइन ये जो एक लाइन आप लिखोगे एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा पांच से छ वर्ड्स लिखिए सिंपल पांच से छ वर्ड्स लिखिए जैसे चाइना इज गोइंग थ्रू है ना दिस फेस एंड रिटेलिएट अकॉर्डिंग टू देयर रूलिंग गवर्नमेंट ठीक है दिस एंड दिस तो यहाँ पे आपने क्या किया एक लाइन में आपने चार वर्ड्स लिख दिए मैं एक लाइन में पांच वर्ड्स लिखता था एक लाइन में पांच वर्ड्स लिखे छोटे वर्ड्स लिखे इनका छोटा वर्ड फ्रेम होना चाहिए छोटा साइज होना चाहिए और बीच में गैप रखो बीच में गैप रखो इस तरीके से इस तरीके से मतलब खुला खुला एकदम अच्छे से लिखोगे तो वो अलग ही इंप्रेशन पड़ता है आपके लिखने के स्टाइल का ठीक है और वो आपके फेवर में जाएगा तो जब इस तरीके से पांच वर्ड्स जब पांच पांच वर्ड्स एक लाइन में लिख रहे हो तो यहाँ पे आपके मान लीजिए बीस लाइन है तो आपका कितना आ गया सौ वर्ड आ गया एक पेज के अंदर सौ वर्ड आपने एक पेज में लिख लिया दो सौ वर्ड दूसरे पेज में और तीन सौ वर्ड्स जो है वो तीसरे पेज में लिख लिया सिंपल सिंपल मैथ्स है कोई मुश्किल नहीं है है ना तो इससे क्या है आपने तीनों पेजेस को इस्तेमाल भी कर लिया और 300 वर्ड्स भी लिख दिए सिंपल तो इस तरीके से लिखेंगे आप बीच में 20 20 लाइन या 18 लाइन से ज़्यादा मत लिखिएगा और यहाँ पे पाँच वर्ड्स से ज़्यादा मत लिखिएगा बीच में गैप रखिए आपका आंसर आपको मिल गया ठीक है तो ये हमने कर दिया इसके अलावा आ, इसके अलावा कंटेंट को ध्यान से पढ़ो कंटेंट को ध्यान से पढ़ो ये एक्सपेक्ट मत करो कि सेम जो कंटेंट है आपने कि, किसी भी मैगजीन से आप घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो और कोई भी मैगज़ीन से पढ़ रहे हो सेम की सेम चीज़ें नहीं आएंगी पेपर के अंदर ठीक है तो उस टाइम पे आपको वहाँ से अपना जो कंटेंट आपने किया होगा उसको अप्लाई करना पड़ेगा वो अप्लाई वाली जो चीज़ है वो जो एप्लीकेशन है वो जो एप्लीकेशन ऑफ कंटेंट है वो कैसे आएगी एप्लीकेशन कैसे आएगी एप्लीकेशन ऑफ कंटेंट वो आएगी थ्रू प्रैक्टिस प्रैक्टिस के थ्रू आएगी ठीक है और प्रैक्टिस कैसे आप करेंगे थ्रू टेस्ट सीरीज बट टेस्ट सीरीज को करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कंटेंट जो हो कंटेंट को रिवाइज करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम यू हैव टू रिवाइज द कंटेंट मल्टीपल टाइम्स ठीक है तभी जाके वो सही बैठेगी चीज तो so, हमने बात कर ली एप्लीकेशन एप्लीकेशन थ्रू प्रैक्टिस प्रैक्टिस थ्रू टेस्टरीज टेस्टरीज तक पहुंचने के लिए आपको कंटेंट रिवाइज करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम्स ठीक है सो मैंने ये आपको सॉल्व करके बता दिया मैंने ये आपको बता दिया है कि मेजरली आपके जो चीज़ें फेस कर रहे हो एक और चीज़ है जो मैं आपको बता देता तो, हूँ सर पेन कौन सा यूज़ करना है देखो पेन जो है कोई भी इस्तेमाल कीजिए पेपर टू के लिए कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं ब्लू ब्लैक वॉट इट इज कोई प्रॉब्लम नहीं है बस इंक पेन मत यूज़ करना लेकिन मैं अपनी पर्सनल सजेशन दू और इसी से ही अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना यू कैन गो हैड मेन्स आंसर राइटिंग में जब बच्चे मेन्स का पेपर देते हैं तो जनरली वो वाला पॉइंट पेन ही यूज करते हैं इट इज पायलट पेन पायलट पेन है ब्लू ब्लैक भी यूज कर सकते हैं आपकी मर्जी है लेकिन ब्लू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है इट इज पॉइंट सेवन पॉइंट सेवन वाला पेन uh, पॉइंट वाला पेन है जो आप यूज कर सकते हैं ठीक है सो so, ये पेन यूज़ करिए अभी भी यूज कर सकते हैं इसकी जो इंक होती है वो आप डलवा सकते हैं मिल जाती है मार्केट में बहुत अच्छे से तो उसको बार बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस पेन को ठीक है अपने पेपर को लिखने के लिए राइट सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास आई होप यू अंडरस्टूड वॉट आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू कि सबसे पहले अगर पेपर कंप्लीट नहीं होता है टाइम से तो उसकी सिक्वेंसिंग देखिए कि कौन सा कंटेंट कौन सा कंटेंट पहले करना है कौन सा बाद में मैंने सिक्वेंसिंग बता दिया दूसरी बात क्या है किस तरीके से लिखना है कि तीन पेजेस कवर हो जाए मैंने बता दिया पांच वर्ड एक लाइन में लिखिए बीस लाइनें नीचे लिखिए बस आपका वो पेज जो है वो सौ वर्ड्स में कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट उसमें इस तरीके से तीसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए दैट इज़ कि आपका पेन कौन सा होना चाहिए पायलट वी वी सेवन पॉइंट सेवन नहीं है इट इज़ वी सेवन है इट इज़ वी सेवन यस वी सेवन पेन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो इस पेन को इस्तेमाल कीजिए एंड इट विल बी ग्रेट राइट एंड प्रैक्टिस कीजिए एप्लीकेशन ऑफ योर कंटेंट कीजिए बट दैट शुड बी डन ओनली वाइल वेन यू हैव ऑलरेडी कवर्ड थिंग्स एंड उसको आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लिया ठीक है सो रेस्ट इट्स ऑल गुड थैंक यू एंड जय हिंद